क्वेश्चन ये है, आपके पास एक थिन रॉड है और ये स्ट्रिंग्स हैं, इन धागों का कोई मास नहीं है, और लेट अस सपोज इस क्वेश्चन के अंदर ये ऐसे इक्विलिब्रियम में थे, आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को काट दिया। एक बार पहले भी प्रॉब्लम डिस्कस की थी, इस स्ट्रिंग को काट दिया। जब काटा तो फिर क्या होगा इस रॉड का, ये रॉड नीचे आएगी, लेकिन ये एंड फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली ये रॉड इसको यहाँ से पकड़ के रखेगी और ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो रॉड ऐसे घूमेगी, तो रॉड का एक्सिस क्या होगा घूमने का, ये ओ पॉइंट, ये रहा। तो देखो ना, ये एक्सिस है, पूरी रॉड घूम रही है, बस ये वाला एंड नहीं घूम रहा, और जब ये वाला एंड नहीं घूम रहा तो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, बोर्ड के इनसाइड, ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क, बोलो, ठीक है, एम जी इंटू एल बाई टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एम जी इंटू एल बाई टू, पहला क्वेश्चन सही है। तो इतना टॉर्क लगा इसको घुमाने के लिए, तब जैसे ही आपने इसको काटा, उसके बाद हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी तो कम से कम काटते तो एम जी इंटू एल बाई टू है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है इसके अंदर, फाइंड इनिशियल अल्फा, काटते ही क्या हुआ, इसने घूमना शुरू कर देने, और घूमेगी कैसे ये रॉड, ध्यान से, शुरू में रेस्ट पे थी, नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी, इसका मतलब वी बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो इसमें अल्फा तो पक्का होगा ही होगा, तो काटते ही अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्या होगा अल्फा, क्या करूं अल्फा के लिए, काटते ही थीटा चाहिए ही नहीं, थोड़ा तो हिलाओ यार, इतना भी नहीं कि काट के फोटो खींच ली कि वहीं रेस्ट पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, मेथड बताओ। और कोई आई इंटू एल्फा, आज का लेक्चर इसी के ऊपर है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, जिन बॉडीज की शेप है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, उसमें कुछ ना लगाओ, उसमें टॉर्क इज आई एल्फा लगाओ, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू एल्फा। लेकिन टॉर्क तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, टॉर्क के दो दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला क्या था, आर इंटू एफ, दूसरा फॉर्मूला क्या है, आई इंटू एल्फा। आर इंटू एफ से ऑलरेडी आप टॉर्क निकाल चुके हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला क्या है रॉड के लिए, आई इंटू एल्फा, इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू। बोलो आई का फॉर्मूला क्या है रॉड का, एम एल स्क्वायर बाय 12 की 3, क्योंकि 12 तब होता है जब एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से, पर यहां तो एक्सिस कहां पर है, कोने से, टेंजेंट है ऐसा ऐसा, तो यहां पर आई क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू, ये कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू 3g/2। थोड़ी एल भी आएगा, राइट, तो यहां से अल्फा निकाल लेते हैं एल, ठीक है, फिर होने तो कांस्टेंट, अच्छी बात है, वो तो हमारी प्रॉब्लम नहीं ना, हो गया तो हो गया, जी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, होने तो फिर कांस्टेंट सही, इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती रहती होगी, पर इंक्रीज तो होगी, सही है यहां तक, ठीक। तीसरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास, जब ये रॉड नीचे गिर रही होगी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, किस शेप में गिरेगा वो, ओके, तो हाइपरबोला, पैराबोला, क्या बोलना चाहते हो, क्या आंसर है, यहां से सर्कुलर लग रहा है तुम्हें, ये तो नई बात हो गई यार सर्कुलर वाली, तो चलो तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, चेंज करना है, सर्कुलर करना है, कितने लोग बोलते हैं पैराबोला, कितने बोलते हैं सर्कल, कितने बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला कहाँ से आ जाता है, हाइपरबोला तो दूर दूर भी नहीं है, सर्कल ही बोल दो। देखो
आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, स्लो मोशन में देखते हैं। ये रॉड यहाँ पे आएगी, फिर ये रॉड यहाँ पे आएगी, फिर रॉड यहाँ पे आएगी, कुछ इस तरीके से आती आती नीचे आएगी, ठीक है, ऐसे गिरेगी। सेंटर ऑफ मास देखें, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा और ये रहा। अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो मुझे कन्फ्यूजन है कि आप तो पैराबोला हो भाई, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ से हर का क्या है, एल बाई टू, रेडियस सेम है भाई, सर्कल है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी इसकी, सर्कल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो ये है कि जब आपने इसको काटा, ट्रेजेक्ट्री बनी सर्कल, तो इसकी टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितनी है? इस सेंटर ऑफ मास जो सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितनी है? क्या फॉर्मूला लगाऊं? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बिल्कुल सही। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की एक्सलरेशन निकालनी है तो मैं अप्लाई करूंगा ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, लेकिन यहां पे आर क्या है मेरा, एल बाय टू, एल बाय टू रेडियस में घूम रहा है, और ए क्या है यहां पर, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एल बाय टू इंटू अल्फा हम निकाल चुके हैं, तो पुट कर लेते हैं 3g डिवाइडेड बाय 2l, l से l कैंसिल, तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी, 3g डिवाइडेड बाय 4, ठीक है यहां तक। सर्कल के अंदर अल्फा से ए निकालना, ए से अल्फा निकालना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा लगाना, आंसर। अल्फा ऐसे में कांस्टेंट, हाँ सेम रहेगा अल्फा, अल्फा भी और ए भी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर अ गिवन नॉट तो कांस्टेंट ही है। यहां तक क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन, चलो ये आप कर लो ट्राई। जब मैंने एक स्ट्रिंग को काट दिया तो एक रस्सी बच गई, उसमें टेंशन कितनी है ये बता दो। एक रस्सी, दो नहीं है, और इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसे मत लगाना, ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर, बराबर है ही नहीं। तो लास्ट पार्ट है, आपको टी निकालना है, वैल्यू बोल दो निकाल दे कितनी आ रही है, एम जी बाय एम, टेंशन फोर्स है, एम जी की फॉर्म में तो आते, एल कैसे आ गया भाई, न्यूटन में आएगा ना, मैंने टॉर्क नहीं पूछा, मैंने टी पूछा। टेंशन फोर्स है, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस है, यूनिट्स एंड डायमेंशन ही गलत हो गया। हाँ बोलो बोलो, देखो मैंने बोला टेंशन निकाल लो, टेंशन एक फोर्स है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना, तुम एम जी इंटू एल कैसे बोल सकते हो, सिर्फ एम जी की फॉर्म में बोलो, एम जी फोर्स होती है, एम जी एल तो टॉर्क होता है, मैं टॉर्क नहीं पूछ रहा, मैं तो फोर्स पूछ रहा हूँ, एम जी बाई टू, नहीं टू टाइम्स, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रॉड के भार से ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, रस्सी मैं लटक जाऊं, मेरे वेट से ज़्यादा टेंशन होगी, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, एम जी बाई फोर सही है, ठीक। देखें कैसे, देखो पहली बात कुछ ऐसे, इसके अंदर सबसे पहले इस पॉइंट को समझो, आपने क्वेश्चन क्या करना है, आपने टेंशन निकालनी है, जब आपने टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालने का काम तो लॉज ऑफ मोशन में था, लॉज ऑफ मोशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें आपने शेप को कंसिडर किया ही नहीं आज तक, कैसी भी शेप हो, आपने मास एम ही लिया है, आपने हमेशा पॉइंट मास ही लिया है, तो वैसे ही कर दो ना, ये देखो, तो सपोज ये रॉड लंबी क्यों ले रहे हो, छोटी सी ले लो बस, इतनी लंबी किसको दिखानी है करके, बस यही मास है, ये रॉड का मास है सेंटर ऑफ मास पे, मैं नहीं दिखाता बड़ी रॉड, मैं छोटी दिखाता हूँ, लॉज ऑफ मोशन तो कहता नहीं कि रॉड दिखाओ, उसने कौन सा रॉड की शेप का कुछ करना है, वो तो कहता मास बताओ कितना है, तो मैंने कहा ये रहा मास। टेंशन, टेंशन कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन, ये देखो ये रही इसकी टेंशन, टी एन टी, तो ये टेंशन, और वेट कहाँ एक्ट करेगा इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना एम जी, फ्री बॉडी डायग्राम तो यही है ना, और तो कुछ नहीं है, या टी है या एम जी है, और जैसे ही ये सेंटर ऑफ मास चला था
तो सेंटर ऑफ मास की क्या थी, एक्सेलेरेशन ए। तो ये नीचे जैसी रस्सी को काटा, इसकी एक्सेलेरेशन क्या हो गई थी, ए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो अपनी एक्सेलेरेशन से चल पड़ा था इन सर्कल, तो नीचे गया तो एम जी बड़ा, टी छोटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। एम जी माइनस टी, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 3g/4। सॉल्व करना, टी की वैल्यू mg/4 आंसर।